हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जय सिंह और आप सब देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल GTA 5 मोड गेमिंग। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप GTA 5 के अंदर आपके मोड यूज़ करके आप जेट पैक है वो कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और उसे इनेबल कैसे कर सकते हैं। इंस्टॉल करना तो काफ़ी आसान है, लेकिन इसे यूज़ करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि आपको इंस्टॉल करने के बाद उसे एक्टिव कैसे करना है, उसके लिए वीडियो आप स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिएगा, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप जेट पैक को आप अपने इंस्टॉल कर सकते हैं और इसे एक्टिव कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में जो बेल का आइकन है उसको प्रेस कर दें और पे करके, ताकि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप देख पाएं। आप चाहते हैं आपको डेली अपडेट मिलती रहे आपके फोन के अंदर, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लिंक आपको वीडियो में मिल जाएगी, सिंपली उस पर क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करोगे तो आप GTA 5 की मोड वेबसाइट पर आ जाओगे। तो आपके सामने देखिए जेटपैक SP1 वर्जन है, तो अब नया वर्जन है। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे जाना है, यहाँ पे आपको चेक करना है कि इंस्टॉलिंग के लिए आपको क्या चीज़ें यहाँ पे जरूरत होनी चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल आपको जो फाइल मिलेगी उन्हें आपको स्क्रिप्ट फोल्डर होता है आपके गेम के अंदर, उसमें जाके इसे पेस्ट करना है। तो काफ़ी आसान है, लेकिन इसे एक्टिव करना काफ़ी मुश्किल है। इसके बाद सिंपल आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है। जैसे डाउनलोड पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, इसलिए मैं वापस इसे डाउनलोड नहीं करने वाला हूँ, मैं इसे यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। इसके बाद आपको जाना आपके डाउनलोड फोल्डर में जहाँ पे आपने इसे डाउनलोड किया हुआ है। तो चलिए मैं चला देता हूँ डाउनलोड फोल्डर में। डाउनलोड फोल्डर में जाने के बाद आपको ये जीप फाइल मिलेगी। सबसे पहले आप इसे अनजीप कर लेना। इसके बाद अनजीप करने के बाद आपके पास यहाँ पे दो फाइल मिलेगी। आपको दोनों फाइल आपके मेन गेम के रूट फोल्डर में यानी मेन फोल्डर में डालना है। तो चलिए मैं मेरा गेम फोल्डर है उसे ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने गेम फोल्डर यहाँ पे ओपन कर लिया। इसमें आपको स्क्रीप फोल्डर में जाना है, अगर आपने नहीं बनाया तो आप न्यू फोल्डर बना सकते हैं। इसके सिंपल आपको जो डाउनलोड में दोनों फाइलें मिली हैं, दोनों को आपको करना है कॉपी। चलिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ दोनों फाइलों को कॉपी। कॉपी करने के बाद सिंपल आपको आपके मेन गेम के फोल्डर स्क्रीप फोल्डर में जाके इसे पेस्ट कर देना है। तो चलिए ये हमारा काम हो चुका है यहाँ पे जेट पैक इंस्टॉल का। अब आपको चाहते हैं इसे एक्टिव कैसे करना है। तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ गेम के अंदर। तो चलिए हम गेम के अंदर आ चुके हैं। मैं आपको बाहर जाके सेफ हाउस से बाहर जाना पड़ेगा, नहीं तो आपका मैप है वो पूरा ओपन नहीं होगा। तो मैं बाहर जाके आपको मैप ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ आपको कहाँ जाना है। चलिए वहाँ पे पी प्रेस करूँगा, हमारा मैप है थोड़ा लोड होने में टाइम लगेगा, कि हमारा मैप है 3D। इसके बाद आपको जाना है ऊपर पहाड़ियों की तरफ, यहाँ पे आपको मिल जाएगा केबल वाला, जिसे आप गए होंगे काफ़ी बार यहाँ पे केबल कार। तो इस पर आपको यहाँ पे मार्क करना, आप यहाँ खुद को टाइप आउट कर लेना। मैं यहाँ पे खुद को टाइप आउट कर लेता हूँ। टाइप आउट करने के बाद आप यहाँ पे आ जाओ, आपको थोड़ी बाहर की साइड जाना है और यहाँ पे आपको यहाँ पे मूड आपका मेन्यू है उसे ओपन करना है। मैं एड प्रेस करूँगा, मेन्यू ओपन करूँगा, आपको टाइम में जाना है और यहाँ पे आपको जीरो कर देना है। तो ऊपर नीचे दोनों में आपको जीरो करना है, मिनट्स और दोनों में यहाँ पे जीरो कर दे। चलिए मैंने यहाँ पे जीरो कर देता हूँ। इसके बाद आपको जाना है वेदर में, आपको यहाँ पे चेंज करना है जो नाइट वाला वेदर है। चलिए मैं हाँ ये वाला वेदर आपको ये वाला करते हैं, या हाँ चलिए ये वाला आप करोगे तो यहाँ पे आपको एक एलियन आएगा। एक्चुअली इसमें कुछ यहाँ पे ग्लिच है तो ये गिर गया है, लेकिन आपको यहाँ पे किल करना होगा। तो यहाँ पे ये जैसे ही आपको यहाँ पे अंडा दे देता है, इसके बाद आपको एक एलियन और होगा जो भाग रहा होगा, उसे भी आप किल करना है। तो आपको जैसे फटाफट यहाँ पे आपको गन लेनी है और आपके सामने जो एलियन भाग देखिए भाग रहे हैं उसे आपको किल करना है। चलिए यहाँ पे मैं किल करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए लिखा आ चुका है हमारा जेक पैक है वो अनलॉक हो चुका है। देखिए यहाँ पे जेक पैक वो पड़े, लेकिन आप इनको यूज़ नहीं कर सकते हैं, इनके लिए आपको जाना पड़ेगा नीचे। चलिए मैं चला जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ किस तरह से आप जेक पैक है उसे यूज़ कर सकते हैं। आपको बाहर की साइड में जाना है। चलिए मैं चला जाता हूँ। इसके बाद नीचे जाएं, यहाँ पे पहाड़ी है तो आप आराम से जाएं, नहीं तो आप फिसल सकते हैं। आपको नीचे की तरफ आना है, यहाँ पे देखते हैं आपको नीचे की तरफ आना और आपको यहाँ साइड में नीचे से आपको इसके ऊपर आ जाना है। तो सामने देखिए हमारा जेक पैक यहाँ पे पड़ा है। तो चलिए हम उसके पास चलते हैं, पहले हम वेदर चेंज कर देते हैं ताकि हम अच्छा चलिए वेदर यहाँ पे चेंज कर दूँ ताकि हमें अच्छे से सब कुछ दिख जाए। तो मैं वेदर ये वाला सेट कर देता हूँ। चलिए अब चलते हैं हमारे जेट पैक के पास। जैसे आप जेट पैक के पास होगे, आपके वहाँ से एक एफ का जो एंटर जेट पैक आएगा, दूसरा ई, जिसमें आप कस्टमाइज आप ई प्रेस करके कस्टमाइज अपने हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अंदर आप कोई भी आप कलर चेंज करना चाहे कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप वेपन लगाना चाहते हैं इसमें, गन वगैरह कुछ भी लगाना चाहते हैं वो भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे कलर काफ़ी सारे आपको यहाँ पे चॉइस मिल जाती है, आप कोई भी यहाँ पे कलर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई भी एक कलर चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद नीचे यहाँ पे आप गन वगैरह कौन से रखना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ये वाली गन चूज़ करूँगा और मैं एफ प्रेस करूँगा। तो देखिए हमारा जेट पैक है वो यहाँ पे एक्टिव हो चुका है। आप इसे वैसे यूज़ कर सकते हैं जैसे आप एरोप्लेन वगैरह को उड़ाते हैं, जैसे 805 से नेपकिन से आप उड़ाते हैं, वैसे ही इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको फायर करना है तो आपका माउस का राइट क्लिक आप यूज करके इसे फायर कर सकते हैं। तो इसे उड़ाना काफ़ी आसान है, जैसे आप प्लेन आपने उड़ाई होगी तो सेम वही चीज़ें आप यहाँ पे उड़ा सकते हैं।
आपको मैं इसे नीचे जाके देखिए फायर वहाँ पे हो रही है हमारी, तो चलिए हम इसे नीचे उतार के आप दिखा देता हूँ इसका पूरा की है दिखने में कैसा लगता है। तो चलिए हम नीचे आ चुके हैं, यहाँ पे देखिए मैंने फायर किया तो फायर हो रहा है, यहाँ पे मैं नीचे आ चुका हूँ और अब देख सकते हैं उसका पूरा लुक आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। तो लुक काफ़ी अच्छा है इसमें, आपको काफ़ी इंजॉय होगा, अगर फाइट वगैरह करते हैं तो भी इसे कर सकते हैं, आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी फाइट करने में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो हमारा पसंद आया, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक इस तरह से प्यार सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखे, देखते रहें, सीखते रहें। बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।